हेलो। तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का एक और अनदर टॉपिक हम लेके आ गए हैं, जो कि है एनेशन एनेशन रिएक्शन। एनेशन रिएक्शन क्या होती है कि एनेशन रिएक्शन के अपेनेशन रिएक्शन के अपोजिट एनेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या है, अपने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के अपोजिट है। ठीक है, एनेशन रिएक्शन जो है हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के क्या है, ये अपोजिट है। यहाँ पर मैं थोड़ी मिस्टेक हो गई अपने से। तो एनेशन रिएक्शन जो होती है वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की क्या होती है, थोड़ी सी अपोजिट होती है। जिसमें क्या होता है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस मेटल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट जो एक्वा H2O लिगेंड जो होता है उसका सब्स्टिट्यूशन अट्रैक्टिव लिगेंड से हो जाता है। यानी कि एक अट्रैक्टिव लिगेंड होता है, कुछ भी मान लो, हेलोजन मान लो, कोई भी एक बाहरी लिगेंड आएगा अट्रैक्टिव जो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कोबाल्ट NH3 H2O3+ ये कॉम्प्लेक्स है, अट्रैक्टिव लिगेंड यहाँ पर X- है, और ये क्या करेगा, H2O को कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये एनेशन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल सी एनेशन रिएक्शन है। हम यहाँ पर एनेशन रिएक्शन की काइनेटिक्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन SN मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है जी, हमने मान लिया, लेकिन ये रिएक्शन की जो रेट होती है वो मेटल कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन और इनकमिंग लिगेंड की कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड। किस किस पर डिपेंड कर रही है, ये जो मेटल लिगेंड है, ठीक है, ये जो मेटल लिगेंड है इसकी कंसंट्रेशन पर, और ये जो इनकमिंग लिगेंड है, इनकमिंग लिगेंड हो या अट्रैक्टिव लिगेंड, दोनों एक ही चीज़ है। तो अट्रैक्टिव लिगेंड या इनकमिंग लिगेंड, इन दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या करती है, कौन सी रिएक्शन, एनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपना कॉम्प्लेक्स है, ये K1 ये इनरिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये सॉरी रिवर्सिबल है। ठीक है, तो K1 K2 CONH3 5 H2O यहाँ से क्या हो गया अपने पास, बाहर आ गया। ठीक है, H2O क्या आ गया अपने पास, अब बाहर आ गया। अब यहाँ पर अट्रैक्टिव लिगेंड आएगा, कौन सा लिगेंड आएगा, अट्रैक्टिव लिगेंड आएगा, या फिर आप इसको इनकमिंग लिगेंड भी बोल सकते हो। ये इनकमिंग लिगेंड आकर के क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपनी एनेशन रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी। किस टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है एनेशन रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है, अभी तक अपन करते यही आ रहे हैं। इसकी अगर अपन रेट लिखेंगे, इसके अपन अगर रेट लिखेंगे तो ये CONH3 का होल 5 और X ये अपना इनकमिंग लिगेंड आ गया। यहाँ पर अल्फा को अपन हटाएंगे, रेट कांस्टेंट है, तो K1 K2 यूज कर सके, यहाँ पर K1 3 यूज कर लेते हैं, और ये अपना कॉम्प्लेक्स और ये X- क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना इनकमिंग लिगेंड आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी रिएक्शन में ये क्या बना, ये बना अपना इंटरमीडिएट। क्या बना अपना इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट बनने की नेट रेट निकाल लो के सर, तो ये नेट रेट कैसे निकलेगी, देखो इंटरमीडिएट क्या था अपने, इंटरमीडिएट क्या था अपने पास, ये कॉम्प्लेक्स अपने पास क्या था, इंटरमीडिएट था। ठीक है, CONH3 और भाई, ठीक है, ये इंटरमीडिएट कैसे बना, अपन इंटरमीडिएट की नेट रेट रेट निकालते हैं, जैसे कि अपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, किसी की भी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की रेट रेट निकालते हो, DI/DT में अपन इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे बना, K1 CONH3 5 H2O - K2 का कॉम्प्लेक्स माइनस K3 का कॉम्प्लेक्स, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको अपन ने, नाम 2 दे दिया। ठीक है, अब ये जो K1 वाली जो ये है कॉम्प्लेक्स है, K1 वाला, इस वाले K1 वाले को मैंने यहाँ निकाल लिया, K2 को क्या कर दिया उसके बराबर, K2 को और K3 को उधर की साइड ले गए, तो अपन ने क्या कर दिया, पर पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव से उधर की साइड गए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, ये जो CONH3 5 ये जो CONH3 5 होता है अपना, ठीक है, ठीक है, ये K2 वाला कॉम्प्लेक्स और K3 वाला कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में एक कॉमन आ रहा है अपना Cobalt NH3 Hol 5। तो Cobalt NH3 Hol 5 को क्या ले लिया अपन ने, यहाँ पर कॉमन ले लिया, और कॉमन दोनों में से लेने के बाद क्या बचा, K2 H2O बचा, K2 H2O लिख दिया, K3 X- बचा, K3 X- लिख दिया, इज इक्वल टू ये बराबर में ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अपन ने यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला ये पूरा का पूरा सेक्शन अपना एक है, तो इसकी अगर अपन को नेट रेट निकालनी है तो इसके अपॉन में ये चल जाएगा, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स अपॉन ये वाला कॉम्प्लेक्स, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 इसको अगर अपन कंपेयर करते हैं, तो देखो अपनी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी K3 CONH3 5 का होल NH3
फाइव और एक्स माइनस, तो यहाँ पर सी ओ एन एस थ्री होल फाइव, ठीक है। तो इसकी सी एस थ्री सी ओ एन एस थ्री होल फाइव की वैल्यू क्या पूरे की पूरी क्या की ये आ गई है, आगे क्या नहीं है, तो उसकी जगह के थ्री ये पूरा का पूरा सी ओ एन एस थ्री होल फाइव है, सी ओ एन एस थ्री होल फाइव है पूरा का पूरा, और साइड में के माइनस तो है ही अपने पास। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको, चार दे दिया, सिंपल है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसके लिए दो केस बनते हैं अपने पास, ठीक है। एक तो होता है फॉर कटायन कॉम्प्लेक्स, वन केस होता है जो कि कटायन कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। कटायन कॉम्प्लेक्स के लिए एनेशन रिएक्शन की रेट को इनक्रीज करने के लिए डाइल्यूट सेल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो सर डाइल्यूट का ही क्यों किया जाता है कटायन कॉम्प्लेक्स के लिए, कंसनट्रेट सॉल्यूशन का क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कंसनट्रेट सॉल्यूशन में कटायन कॉम्प्लेक्स इनकमिंग लिगेंड के साथ आयन पेयर का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा तो, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं किया जाता, इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए H2O की कंसंट्रेशन X माइनस लिगेंड की कंसंट्रेशन के कंपेयर में ज़्यादा रखी जाती है। देखो H2O की कंसंट्रेशन को X माइनस से क्या किया है, ज़्यादा बताया गया। अब सिंपल सी बात है के H2O K2H2O प्लस K3X जो कि अपन पीछे रिएक्शन में है अपना, उसमें नेट रेट में है। अब जब H2O की ज़्यादा ही है X के कंपेयर में, एक्सेस में है, तो इसको क्या हम, तो इस पूरे के पूरे को हम क्या K2H2O के बराबर मान ले तो कोई गलत बात है नहीं, है ना, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई है K2 K3 की, K2 और K3 क्या आ गया डायरेक्टली K2H2O आ गया, तो इसकी वैल्यूज जो होगी अपन इक्वेशन नंबर चार में पुट कर देंगे। तो सर इक्वेशन नंबर चार क्या थी, कि सर इक्वेशन जैसे इक्वेशन नंबर चार थी, तो यहाँ पर अपन को कौन सी वैल्यूज पुट करनी है K2 और K3 की, जो कि K2H2O आ गया, यानी कि इन K3 और K2 की जगह अपन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो K3 और K2 की जगह अपन ने क्या की थी, वैल्यूज को पुट करी, तो K2 की देखो यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यूज को कर दी, यहाँ पर पुट कर दी, पूरा का पूरा निकल के क्या आ गया अपना H2O आ गया। तो H2O तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो पर अपने पास रेट इज गोस टू क्या बचा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बचा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बचा, तो रेट डायरेक्टली तो रेट प्रोपोर्शनल ये पूरा का पूरा क्या है अपने पास कॉम्प्लेक्स, और ये अपना इनकमिंग लिगेंड, तो कॉम्प्लेक्स और इनकमिंग, ठीक है, कटायन वाला समझ में आया आपको। अब एनायन के लिए अगर हम बात करें, तो एनायन कॉम्प्लेक्स में इनकमिंग लिगेंड के साथ आयन पेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ही एनायन के रेट को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इनकमिंग सॉल्यूशन को एक्सेस में ले लेंगे। अब जो वहाँ पर चीज़ H2O के साथ करी थी, वो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इसके साथ कर देंगे। वहाँ पर H2O को कॉमन लिया, वहाँ पर H2O के बराबर करी थी क्योंकि H2O एक्सेस में था। अब X हैलोजन एक्सेस में है, तो K2 और K3 की वैल्यू को किसके बराबर कर देंगे, K3 हैलोजन के बराबर, ठीक है। आगे अगर अपन देखें तो इनकी वैल्यूज को कर देंगे वही अगेन रिएक्शन नंबर इक्वेशन नंबर फोर में पुट करेंगे, तो यहाँ पर K3 एक्स माइनस जाएगा। अब K3 एक्स माइनस आने के बाद K3 से K3 और एक्स से एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रेट अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, इसके K1 को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल लगा देंगे और डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स आ गया। अब यहाँ पर कोई इनकमिंग लिगेंड नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, कोई इनकमिंग लिगेंड नहीं है, इसलिए क्या आ गया, पर डायरेक्ट रेट जो होती है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये अपना एनेशन ऑफ, यहाँ पर अपना एनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक लास्ट टॉपिक अपने इस यूनिट के अंदर है, छोटा सा है, रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल लिगेंड इज नॉट क्लीवेज, नॉट क्लीवेज, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, बन रहा है, रिएक्शन कर रहा है, जहाँ पर मेटल और मेटल लिगेंड बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड के क्लीवेज के बिना ही, मेटल लिगेंड बॉन्ड के क्लीवेज के बिना भी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कैसे हो रही है, देखो कोबाल्ट के एक्वा अमाइन कॉम्प्लेक्स, ये कोबाल्ट का एक्वा अमाइन कॉम्प्लेक्स है, का कार्बोनेटो एमाइन कॉम्प्लेक्स का कार्बोनेटो अमाइन कॉम्प्लेक्स से सिंथेसिस मेटल लिगेंड बॉन्ड के क्लीवेज के बिना ही कंप्लीट हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे कि देख लो H3O, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को मार्क क्यों कर रहा हूँ भी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई NH3 5, यहाँ पर H2O ऐड हो रहा है,
सीओ टू निकल रहा है, सीओ थ्री एच टू ऐड हो रहा है और टू एच टू ओ बाहर निकल रहा है। ये आपको रिएक्शन समझ में आएगी मैकेनिज्म से, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस रिएक्शन में जो लेवल्ड ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्स और सीओ टू में नहीं पाया जाता है, इस रिएक्शन में लेवल ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्स, लेवल ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है जो कि अपन ने यहाँ पर लेवल करी है, ठीक है, स्टार्क मार्क है, ठीक है। तो ये लेवल ऑक्सीजन मेटल कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स और CO2 में नहीं पाया जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में कोवाल्ट यानी कि COO बॉन्ड क्लीवेज न हो करके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। देखो कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका मैकेनिज्म देखो, CONH3 ये CO2 है, ठीक है, H3O, ठीक है। अब ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है H3O, ये आपका CO3 है, ये आपका H3O है। अब ये CO H3O का एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा अपने पास OH। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स के साथ OH जुड़ा है, तो बाहर क्या निकला H2O, बाहर क्या निकला H2O और CO2, CO2 और H2O क्या निकल गए यहाँ पर, बाहर निकल गए, निकल गए कि निकल गए, नहीं निकल गए यहाँ पे। अब यहाँ से इस रिएक्शन में H2O निकलेगा, H3O प्लस जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पर OH की हेल्प से H3O आया, तो OH के साथ तो H2O तो यहाँ अंदर पर अंदर की तरफ एंटर अंदर की तरफ आया और एक H2O क्या हो गया यहाँ से बाहर निकल गया। इस तरीके से क्या है मैकेनिज्म कंप्लीट हुई है। तो इसी के साथ आपका MSc सेकेंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का यहाँ पर आज समापन होता है। आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुकी है, अगली यूनिट के साथ हम फिर मिलेंगे कल आपको। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डाल पाऊँ। लाइक करें, कमेंट करें कोई दिक्कत आ रही है तो। और आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर इंस्टाग्राम पर जाइए और मुझे डायरेक्ट आप DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पूरे नोट्स जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसकी PDF फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।